ये आपके ऊपर तो प्रभावशाली इसने अभी कुछ दिन पहले से ही किया, पर है बहुत पुरानी। घर की बाधा का हमने डिटेल निकाला जो हमको सेना ने दिया। प्रेत बाधा घर में 1992 में गाड़ी गई थी, प्रभाव भयंकर था, भेजी गई थी, अकाल मृत्यु भी माँ की बनी, उनको भी सवारी, घर में सबको दिक्कत, बहनों को भी दिक्कत, बनाता है बुद्धि विचित्र करता है। अनेक तांत्रिकों के पास आपका धन खर्च हुआ, शरीर का शोषण भी किया, गलत तरीके से शोषण किया है, यह गलत था, अब भटकना नहीं पड़ेगा, जाओ आशीर्वाद है। हमने डिटेल ले ली, इसका नाम भी पता कर लिया तंत्र का। अब आप यहाँ पर अपने गोत्र का, अपना नाम, परिवार के सभी सदस्यों का आप नाम लो, बैठ जाओ, देख ली। हाँ चलो, बालाजी है हमने, जिसमें ऐसे कोने में आया ना वर्णन, इसलिए उसका पीछा छोड़ो, अब हटा, उसके निमित्त कुछ करना भी नहीं, मैया के निमित्त कुछ करना भी नहीं, क्योंकि वो थोड़ा सा बहक भी गई थी, बुद्धि भी विचित्र हो गई थी। बालाजी मेरी शादी भी हो जाएगी क्या? पक्का 200%। अभी एक लड़का है जो मेरी जिंदगी में आया है, बहुत सच्ची हूँ उसके बारे में। उसके बारे में बाद में, पहले तंत्र विद्या कट जाए, फिर विवाह के बारे में चर्चा, ठीक बहना? तुम उन्हें पकड़ो, अब तुम तांत्रिकों के चक्कर में मत रहना, बस तुम तांत्रिकों के चक्कर में। एक बात और हम प्रार्थना करें, हमने जितने भी केस या तंत्र से संबंधित चीज़ें जानी हैं, समझी हैं, जितने भी लोग सुन रहे हैं, बाहर भी सुन रहे हैं या अंदर बैठे, हम बहुत विनम्रता पूर्वक आपको कहें, ये तंत्र मंत्र जानने वाले ज़्यादातर लोग अच्छे नहीं होते, इसलिए अपनी बहन बेटियां, माताओं को किसी भी प्रकार से, कितना भी बड़ा जानकार हो, ना तो अकेले भेजें ना उसके प्रपंच में पढ़ें। बहुत से लोग इसी चक्कर में दूसरे तरीके का फायदा ले रहे हैं, ऐसे हमने बहुत दरबारों वाले बड़े बड़े नामी ग्रामी लोगों को अपने परिचय के बल पर पकड़ रखा है। इसीलिए जागरूकता इसी में है कि तुम्हारी प्रेत बाधा को हनुमान जी के अलावा कोई ठीक नहीं कर सकता है, श्री राम। ना तांत्रिकों के चक्कर में पड़े, ना जानकारों के चक्कर में पड़े, ये तांत्रिक इतने नीच और घटिया होते हैं, छोटी छोटी बच्चियों को भी शिकार बनाते हैं। ये तो केस ऐसा है कि इसकी बात चले वो पता चल गई, हजारों ऐसी बहनों बेटियां हैं जो अपने घर पे तक नहीं बता पाई, और ये तांत्र शुद्ध फरेब झूठ, दो चार मंत्र सीख करके इस प्रकार के कृत्य को अंजाम देते हैं। इसीलिए हम आपको और भारत के लोगों को, तुम लोग अगर हमें मानते हो, इस बात को जन जन तक पहुंचाओ, हनुमान जी से प्रेत बाधा वालों को जोड़ो, हनुमान जी से बड़ा कोई देवता नहीं है, यहाँ देर तो लगेगी पर अंधेर नहीं होगा, जय श्री राम। और हमारे पास भी मत भेजो, हनुमान जी के पास भेजो, किसके पास भेजो, ये तुम्हारी जिम्मेवारी है जगाने की, तुम भी भारत के जगे हुए नागरिक हो, इन अंधविश्वासियों की, तांत्रिकों की दुकानों को बंद करवाओ, ताकि इस प्रकार से भोली भाली बेटियों का शोषण ना वो कर पावे। और अगर ये तुम नहीं कर पा रहे या नहीं करोगे तो तुम भी मुर्दे माने जाओगे, और ये ध्यान रखना, प्रकृति बहुत खतरनाक है, भगवान ना करे कि ऐसा हो, लेकिन जब तुम्हारे साथ कुछ घटेगा तब तुम्हें पता लगेगा कि गुरुजी ठीक कह रहे थे। इसलिए तुम्हारी जिम्मेदारी है, खुद भी जागो, दूसरों को भी जगाओ, और तांत्रिकों के चक्कर में नहीं, हनुमान जी के चक्कर में पड़ो, जय श्री राम। आप वहां पहुंचे, इसकी जरूरत नहीं, आपका पर्चा वहां है। कोई असर नहीं रहेगा, हम पे छोड़ो बहन, और हम आपका ब्याह भी बागेश्वर धाम से करवाएंगे, ठीक है? जा वहाँ खड़ी हो, मुट्ठी बांधो दोनों, सेनापति
मार लगाई जाए। एक बार सभी प्रेतों को मार लगाओ सेनापति। जितनी सेना है सब दरबार में आवे और तेज प्रभाव किया जावे। राम राम तुम बैठ जाओ वहीं 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 चाय ले आओ। पूरी सेना दरबार में पुनः आवे। साधु जी बालाजी राम 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 और तेज प्रभाव किया जाए। काहे में जेब में अटा रहे हो मुक्ति के तो मुक्ति दे दें। कहे चॉकलेट आए के तो मुक्ति दे दें। ठठरी के बारे न कटा मार घल्ले मार आओ हमें नसें टरवा देने नसें बोल्ट से खुल जाने तुम्हारे। और तेज प्रभाव करो। चलो भेजो जब तक उस बालक को भेजो। इधर आ जाओ। दाहिना हाथ दोनों हाथ में लो लगाओ। अभी आपको आपका बंधन होगा 11 या 21 पेशी में क्योंकि आपकी अभी पहली पेशी है। आप पर्चा वहाँ से ले लो। घर पे आप अखंड ज्योति जलाओ बहन। नियम शुरू करो। जाओ जय जय हो जय। चलो आइए। कहाँ से हो? हैं बिहार में। कहाँ से हो? जिला से। पहली बार आए? दूसरी बार है। कौन है? पत्नी है। बुला लो। आ जाओ। गुरु जी बुला रहे हैं। आ जाइए आ जाइए आ जाओ। ये माइक ठीक कर दियो। क्या जानना है बोलिए। कहाँ गए? माइक से ही बोलो। ये वाला माइक ठीक करो। बोलने वाला हमें सुनाई नहीं दे रहा। हाँ गुरु जी बहुत तांत्रिक के पास में गए। बहुत दिन से भटक रहे 2017 से और शादी होने के बाद और तबीयत खराब हो गया। सुधार नहीं हुआ और उसके बाद 2-3 महीने 4 महीना पहले मेदिनीपुर बालाजी आ गए। वहाँ से भेंट करके आए और उसके बाद यहाँ आए हैं। एक बार आरो आए विवाह से पहले आए थे यहाँ कन्या विवाह राधन। तभी दूसरी बार आए। ठीक है पढ़िए। खाने में अपच होती सिर दर्द होता सिर पर बैठता सवारी आती भाव खेलते घर में
प्रेत बाधा 6 साल पहले की गई, सबको दिक्कत देता, आज से ही आराम लगेगा, तंत्र कट जाएगा, जाओ आशीर्वाद है। बराबर है ये जी गुरु जी। सामने खड़े हो, इनकी पत्नी आ रही लोगाई, हम बुला दियो तनक इनकी, ते बुला ले अपनी लोगाई, बुला आ जाने देना इनकी लोगाई को, आ जाने दो। गुरुजी बहरा हो गए, अरे चलो ठीक है, जब तक वो आती हैं तब तक वहां खड़े हो, सामने खड़े हो, मुट्ठी बांधो दोनों, जो भी तंत्र शक्ति का असर है सेनापति देखो, सिर में चमीटा मारो, साथ में वा उठा पटक करो, इसकी जकड़ लो, इधर बैठ, इधर आ नकटा, इधर आ ठटरी के बरे, कैसो भूत आए थे, ते भूत है ता हम राम जी के दूत हैं, तोरी ठटरी और तेरे गुरु की ठटरी, उठ के बैठ, उठ के बैठ, बैठ बेचारा, क्यों हैरान करता है, कुछ बिगाड़ा तेरा इसने, ले जाना है पक्का, हमें पनीर खवा देने, ले जाऊंगा, तेरे बाप का राज है जो ले जाएगा, तू ब्रह्मा है क्या, भगवान है क्या जो ले जाएगा, ले जाएगा है, ए ठटरी के बारे तो चिटिया नहीं ले जा सका, आदमी तो छोड़, ऐसे भूत प्रीत ले जाने लगे तो पे भगवानों के तो दरवाजे ही खाली हो जाए, भूतों के दरवाजे पे ना ड्यूटी लगे हमारी, सेनापति इसको जरा गरम चमीटा मारो, 3-4 अच्छे छुबाओ, है ले ले जा, नागिन बना देने हमें मार मार के, ले जा ले जा, तना गरम चमीटा ले आइयो भीतर से, इसके गाल में मारो चांटा, तनक सेनापति गाल में चांटा मारो, उठ के बैठ, इधर आ, आ तो चाय पिलाए, इधर आ, लिया चमीटा लिया, इधर आ नदी का ले जाना है, है ले जाना है, ले जाना है, है? अब काय नहीं कर रहा, अब काय नहीं कर रहा, ठटरी के बारे ले ले जाने, ले ले जाने, तब बोल सीताराम, जोर से बोल, बोल हनुमान जी की जय, बोल बागेश्वर धाम की जय, अब हम जैसो के भी बैसो कर है, बात माने, बांध मुट्ठी, ठटरी के बारे ले आ जाना, इतना ही रखो, अब एक मुल्ला बैठो, मुल्ला हाँ रगड़ने, तोरी ठटरी हमें बर्रैया छोड़ने, तोरे ऊपर बर्रैया जानत, बर्रैया जानत, बर्रैया जो काटती होती ना मक्खी, मधुमक्खी, हाँ वो कान में भरने तोरी, कैसे गंगा जल लो, तुम्हारी भी अर्जी है संतान वाली, किसकी है? हाँ वो भी लग गई है, जाओ जय जय हो जाए, जे ठीक हो जाए, पेशी लगातार करना, 31 पेशी करना, जीवन भर आते रहना, आज से ही हम उपद्रव ठीक करवा रहे हैं।
लेकिन पेशी करियो, पूर्ण बंधन कर भी पेशी के बाद में नियम पालन करो, इन्हें आज ऐसे आराम लगे, बालाजी को भजन करियो, ठीक। दाएनो हाथ दे खटरी के बारे ऐसो कर, कल चल पी जा, खड़ा हो, सेनापति से प्रेतराज सरकार लो भेजो, जाओ लेके जो पर्चा है आज से पेशी भर करो, ठीक। आओ जा घुसीदा, तोरे घरे संतान हुई है, जा ले बेटा, चलो खुश रहे, आशीर्वाद, चलो मत मत दूर से छूना नहीं, अंगला भेजो, बागेश्वर धाम की, साथ में कोई पति कहाँ है, हैं? ले पहले खड़े हो क्या, बोला बोला ही को भी पति को आ, इधर आ, इधर आ नजदीक आ, इधर आ, मार वे हाँ का हम तोरी आरती कर भी का, क्या हम तो काजू मखाना खावा भी, हाँ साधु जी कहाँ है इसके हस्बैंड, कहाँ से हो, माइक लो, बांदा से, पर्चा अर्जी पहली बार लग रही है, नजदीक आओ, एक साल से आ रहे हैं, एक साल से मिल आज पाए हो, आज कई बार मिल चुके, कई बार आपसे मिल चुके, अच्छा पर्चा बना है, नहीं पर्चा नहीं बना, अच्छा मिल मतलब अर्जी पहली बार लग रहे हैं, चलो इधर आओ, क्या जानना है क्या हो गया, धन की दिक्कत हो गई, धोखा मिल गया तुमको, माइक क्लियर हो, हम बोल रहे गलत बोले टोकियो और सही बोले हाँ कहियो, प्रेत गंदा सवारी आती हैरान पूरा परिवार है, आपकी माता को भी पागल कर दिया है, वह भाभी को भी पागल कर दिया है, दिमाग चढ़ा दिया है पूरे घर का, पत्नी को गर्भ में व पेट में दिक्कत करता है, परेशान करता है, यह मुसलमानी नहीं है, नहीं है पिशाच विद्या है, पूरे परिवार पर है, आपको धोखा मिला, ठेकेदार के पास रुपया रुक गए हैं, जाओ वो मिल जाएंगे, पागलपन ठीक होगा, पत्नी सही हो जाएगी, आशीर्वाद है, ये आपके घर पे अभी का नहीं 2006 का है, 2006 हाँ, मकान की माटी चाहिए, मिट्टी लेता ना, ठीक है, ठीक है। हम उपाय कर देते हैं, आज से ही सेना पहुंच जाए तुम्हारे घर है, वैसे कंट्रोल है, आराम है, यही है, जब से धाम से आए हो तब से आराम है, 40% आराम लग चुका है, सेना भी दो बार घर पे दिख चुकी है बंदर के रूप में, सेना जा चुकी है, जाओ बाल बांका नहीं होगा, खड़ी हो बहनवा, ये लो अपना पर्चा, मुट्ठी बांधो दोनों, चलो सेनापति जरा दृष्टि डालो, तुम बैठो यहीं, इसको मार लगाई जाए, हट, ना लाए धूम केतु राक्षस, इसकी दुर्दशा कर दो, जितना परेशान इतना इसने किया है, मार मार के इसके करो, इसकी एक और है, ये मुल्ला बनता है, ये अली वली है नहीं बजरंग बली है, इधर बाद ठटरी इसकी सारे की बार दे, गलो मसक इसको, बट राम और मारो सिर में, पिता को भी दिक्कत हुई थी,
उनको भी पागलपन किया है। लो कोने पे हमने गोला में जो लिखा है वो पढ़ लो। राम, और इसको मारो पीटो। हमें ठटरी बार देने कैसी बुआ है, तुम बुआ है, इधर आ नदी का बात कर, नहीं तो हम चमीटा मांग दी। हाँ इधर आ, इधर आ, तेंसकी बुआ है, कैसे मर गई थी तू, फांसी लगाई थी। अच्छा हाँ, तो फांसी क्यों लगाई थी तूने, हैं? इसकी माँ के पीछे लगाई थी, हैं? तू किसके किसके ऊपर बैठती है घर में, हैं? हैं? अच्छा कैसी बुआ है, ते तो हो गई पूतना मौसी, ते बुआ का पूतना नाम रख अपनो, जब पूरे खानदान हैरान करें रड़वाल छोड़ेल। हाँ कैसी बुआ आए थे, क्या करेगी, मार दे तब बुआ, तुम तो मर ही गई, अब तुम बच नहीं रही, हमें चील सो टांग देने तुम्हें, तुम बुआ चिल्ला जे हो चिल्ला हैं, जो बुआ तुम चिल्लाओ ना तो कहियो, हमें ऐसी पिटाई लगाऊं ने मधुमक्खी भर देने हमें कान आने में, कैसी बुआ हो तुम, सेनापति तनक सो डेमो दिखाइए, ये राम राम, इसके गाल में चाटा मार और मार और पटकार और पीट और पीटे इसे, गुरुजी ने कहा था अब इसका गला पकड़ ले, अब कैसे रेंदे है, अब रुक जा बुआ, अब तुम ही नहीं रह रही है, तना गरम चमीटा ले आओ, ऐसे कैसे छोड़ देगी, अब बुआ हमें छोड़वाने ही नहीं है, ओ पूतना बुआ, अब तुम बच नहीं रही, अब गरम चमीटा मारो सेनापति, फट उठा उठा फेंको इसे, उठा उठा फेंक, राम ओम श्रीम राम 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 सही में छोड़ेगी, बात मानेंगी, उठ के बैठ, सीताराम बोल, अभी इसे और रगड़ना, इसे अभी प्रेतराज सरकार के पास ले जाओ, अबे और बैठारना है, आज बंधन नहीं कर रहे क्योंकि इसके साथ में एक और है, उसे भी पकड़ना है, घर में अलग है, उसको जकड़ना है, इसके बाद में कर देंगे, ठीक है, जा प्रेतराज सरकार लो बैठ, जा सेनापति ले जाओ, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, चलिए अगला भेजा जाए।